100% में से 100% पता है कि यूपी में ये चीज होता तो अब तक सर ये खत्म हो गया होता, इसका इनकाउंटर हो गया होता। अगर ये यूपी की बात रहती तो ये थाने तक नहीं जा पाता, इसको पुलिस वाले जहां से पकड़ते हैं यही इनकाउंटर कर देते हैं सर। आपको बता दें कि जो दिल्ली में साक्षी के साथ जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं अब जो है वो पूरा एक जो वो पूरा प्रकरण है, कहीं ना कहीं उसकी जो हवा है वह भी अब अंबेडकर नगर तक पहुंच चुकी है, चूंकि अंबेडकर नगर की ही रहने वाली साक्षी थी। और वो तमाम ऐसे वीडियो हैं जो आपने देखे हैं, शायद आप देखते तो विचलित भी हो जाते कि किस तरीके से साहिल नाम का एक दरिंदा आता है और जो यूपी की बिटिया है जो दिल्ली में रहती है उसको किस तरीके से वह चाकुओं से लगातार उसके ऊपर हमला कर देता है और जिसके बाद से उसके सिर को बड़ी बेरहमी से उसको मारता है। तमाम जो चीजें हैं जो वीडियो में जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आई हैं, और साक्षी के जो भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम रिंकू है। रिंकू, साक्षी थी वो आपकी बहन थी? हाँ, ये सर हमारे चाचा की लड़की थी। अच्छा, तो क्या हुआ था, साक्षी अंतिम बार कब घर आई थी? सर हमारे घर पे आती है एक महीने के पिछले आती है, एक महीने के बाद ही ये काम हो जाता है। अच्छा, साक्षी किस तरीके की थी स्वभाव में, क्योंकि एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है अटूट होता है, वो सारी बातें दूसरे की लगभग लोग जानते हैं, कैसे स्वभाव की थी वो? सर ये बहुत अच्छी लड़की थी और बातचीत हर चीज अच्छे से बोलती थी, पढ़ना लिखना ट्यूशन कोचिंग हर जगह जाती थी स्कूल। हाँ सर, पढ़ने में एक नंबर की लड़की थी, फालतू किसी से मतलब नहीं रखती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो साहिल था उसके साथ में कुछ उसके प्रेम प्रसंग के मामले भी पहले से हुआ करते थे। नहीं सर, ऐसी बात होती तो घर पे बताती, मैं इसका भाई हूँ, घर पे बड़ी बहन है उनको बताती, कुछ ना कुछ तो सर जरूर बताती इनके बारे में। बिल्कुल। अच्छा, जो साक्षी थी वो कभी आप लोगों के बीच में उठा बैठा करती थी, आती थी यहाँ? तो सर हमारे इधर आती थी प्लॉट पे, तब हमसे बातचीत करती थी, लेकिन इन्होंने किसी के बारे में जिक्र नहीं करा कि किसी से हम बात करते हैं कि हमें कोई परेशान करता भैया। अच्छा, कभी आप दिल्ली जाते होते थे? सर हम दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं। हाँ। वहीं साथ में ही रहते थे साक्षी के? सर साक्षी का घर थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर के इधर रहते हैं हम, आना जाना लगा रहता है। अच्छा, तो वहां पर जब साक्षी पढ़ाई उढ़ाई कहाँ करती थी? सर एक स्कूल है हमारे इधर गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसी में सर साक्षी पढ़ाई करती थी। क्या एरिया लगता है उसका? ये सर एरिया स्कूल 26 सेक्टर में आता था। जी जी। अच्छा, तो 26 सेक्टर में साक्षी डेली आती जाती थी पढ़ने के लिए? हाँ सर, स्कूल आना जाना डेली। वो अकेले ही आती जाती थी या अपने सहेलियों के साथ में? सहेली के साथ अपने। अच्छा, सहेलियों के साथ में भी आना जाता। तो अभी जब ये घटना हुई उसके कितने दिन पहले आप यहाँ आए? सर जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हम ट्रेन में थे सर, तो सर हमारी फुआ हमें फोन करके बताती है 5 बजे सर हमें पता लगता है, हम आते हैं लखनऊ आ जाते हैं। जी जी। अच्छा, तो फिर इसके बाद अब क्या हुआ, क्या किसने सबसे पहले फोन किया और क्या कुछ आपको बताया गया था? हमारी फुआ ने सर फोन करा था हमारे मम्मी के पास, फिर हमारी मम्मी बताती है हमें। जी जी। तो आपकी जो मम्मी है और जो साक्षी के जो पापा है वो लोग क्या काम करते हैं वहां पर? सर साक्षी के पापा ये मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, घर वगैरह बनाते हैं? हाँ, घर वगैरह बनाते हैं। तो वहाँ किराए के मकान में लोग रहते थे कि उनका अपना? सर अपना घर है सर, है थोड़ी जुग्गी टाइप की है। अच्छा अच्छा, उसी में वो लोग रहा करते हाँ, थे। सर जब साक्षी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी लगातार, जो है अपने परिवार के बीच में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी, उसके भी अपने सपने थे कुछ बनने, क्या कभी कोई जिक्र करती थी कि मुझे क्या बनना है पढ़ने लिखने के बाद? सर इनके पापा बताते हैं कि ये वकील बनने की तैयारी कर रही थी, बोल रही थी कि हम 12 पास हो जाएंगे तो वकील की पढ़ाई करेंगे, इसके बाद कॉलेज करने के बाद वकील बनना चाहती थी सर। ये आंखों में बहुत सारे सपने थे उस बिटिया के, उसे वकालत करनी थी, उसे कानून की तमाम चीजें थी जो उसकी जानकारी वो रखना चाहती थी, लेकिन एक दरिंदा जो कहीं ना कहीं जो है उसके इस सपने को तोड़ देता है, अब साक्षी इस दुनिया में नहीं है। फिर अब क्या लगता है, अभी तक पुलिस क्या इसमें कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ, क्योंकि परिवार से आप हैं तो बातचीत भी होती होगी परिवार के लोगों से, क्या कार्रवाई अभी तक इसमें हुई है? सर दिल्ली पुलिस ने वही इसको कोर्ट में लेके गए थे, फिर कोर्ट से 2 दिन का रिमांड मांगा था पुलिस वालों ने, तब सर पुलिस वाले ने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, अब इतनी टाइम हमें सर वो भी नहीं पता है कि ये कोर्ट में पेश हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ सर। अच्छा, अभी इसकी जानकारी नहीं है आपको? इसकी जानकारी नहीं। क्या वजह हो सकती है आपको, ऐसा क्यों लगता है कि जो है साहिल जो एक विशेष समुदाय का रहने वाला व्यक्ति है वो आता है और अचानक चाकुओं से निर्मम तरीके से उसके ऊपर हमला कर देता है, क्या वजह रखती है आपको कि ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा सर कुछ बातचीत हुई होगी इनमें, या तो सर इसको बदमाश बनने का शौक चढ़ा होगा, इसी मारे इस बुरी तरीके से मारता है इनको। अच्छा, जिस तरीके से बेटियों को एक ही दलित परिवार की बिटिया है जिस तरीके से उसको मारा जाता है, इस तरीके की घटना को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप साक्षी के भाई हैं,
जैसा नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से मारता है बहुत गलत तरीके से मारता है ये जी। अच्छा आप, मैं देखा कि आप कुछ मीडिया वालों से बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि अगर वो अभी दिल्ली के बजाय अगर ये चीजें जो है उत्तर प्रदेश में हुई होती तो इसका परिणाम कुछ और होता, क्या लगता है क्या परिणाम होता अभी? सर अगर ये यूपी की बात रहती तो ये थाने तक नहीं जा पाता, इसको पुलिस वाले जहां से पकड़ते हैं यही इनकाउंटर कर देते हैं सर। अच्छा ऐसा विश्वास आपको लगता है कि इस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है? सर हमें 100% में से 100% पता है कि यूपी में ये चीज होता तो अब तक सर ये खत्म हो गया होता, इसका इनकाउंटर हो गया होता। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है लगातार जो कानून व्यवस्था है जो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बहुत बेहतर तरीके से कर रही है? हाँ जी सर। अच्छा।